हेलो एवरीवन, तो कई दिनों से चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें जेई करना है, तो आप जेई के बारे में पूरी जानकारी दे दो। पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, जेई मेंस करने पे क्या मिलता है, एडवांस करने पे क्या मिलता है, ये सब कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाया हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जेई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, जेई एग्ज़ाम जो होता है वो दो पार्ट्स में कंडक्ट किया जाता है, एक मेंस और उसके बाद होता है एडवांस्ड। ठीक है, अगर आप जेई मेंस क्लियर करते हो तो यहाँ से आपको ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सारी ब्रांचेस मिलती हैं। ठीक है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, और भी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो। अच्छा खासा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, मेंस का जो पेपर का सिलेबस होता है वो 11th और 12th पर बेस्ड होता है। ठीक है, 11th और 12th में जो आप पढ़ते हो उसी पर बेस्ड रहता है, बट जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो बोर्ड या एनसीईआरटी में, उससे लेवल अप होता है मेंस में। ठीक है, मेंस का पेपर होता है 300 मार्क्स का, पहले 360 होता था बट अब 300 मार्क्स का हो गया है। 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं 90 में से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए। 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम, तो 100-100 में डिवाइड होगा, तो 100 फॉर फिजिक्स, 100 फॉर केमिस्ट्री, 100 फॉर मैथ्स। ठीक है, और इसमें आगे क्या होता है, इसमें देखो आपको 25 क्वेश्चन की जगह 30 क्वेश्चन रहते हैं, बट ये कैसे डिवाइडेड रहते हैं, क्वेश्चंस 30 रहते हैं, ये डिवाइडेड रहते हैं दो पार्ट में, 20 एमसीक्यू रहते हैं, मतलब चार में से एक तुक्का मार दो, और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, NVTQ, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसका आंसर 2, 3, 4 ऐसा आएगा जो कि आपको टाइप करना रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होता है ये मेंस का, पहले ऑफलाइन होता था, नाउ इट इज़ ऑनलाइन। ठीक है, तो 10 में से आपको 5 करने रहते हैं, बाकी 5 ऑप्शनल होता है। कोविड के समय ये रूल लगाया गया है, आई डोंट नो आगे ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, खैर ये तो 30 क्वेश्चन वाला रूल अब आया है, जिसमें से 20 तो एमसीक्यू, 20 में से 20 करना ही है, बट यहाँ पे 10 में से 5 ही करना है। ठीक है, और 5 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, 5 हो गया वहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे आप और नहीं कर सकते। केमिस्ट्री का भी सेम है, 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 30 में से 20 होता है एमसीक्यू, और 4 मार्क्स ईच, सबका 4 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग होती है एमसीक्यू में, NVTQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तुक्का मार सकते हो। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं NVTQ, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स फॉर ईच, और सेम टू सेम पैटर्न होता है मैथ्स का भी। तो ये हो गया मेंस का। ठीक है, 11th और 12th का फुल्ली बेस्ड रहता है ये, तो 90 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 75 करना रहता है, और उसके बाद आपको आसानी से फिर 300 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने सभी को करेक्ट किया तो। ठीक है, अगली बात आती है परसेंटाइल कैसे दिया जाता है। देखो, परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं, बट उसका जो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं परसेंटाइल के ऊपर। पहला होता है टफनेस ऑफ द पेपर, मतलब कैसा पेपर सेट किया गया है, और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, बट जो एक मेन चीज़ होती है, आप परसेंटाइल को ऐसा कह सकते हो कि नीचे क्या आएगा। देखो, डिनोमिनेटर में उतने बच्चों का नाम लिखो जितने लोग एग्ज़ाम देने बैठे थे, सपोज़ 20 लाख लोग एग्ज़ाम देने बैठे थे। ठीक है, 20,000, ओके 20 लाख हो गया, ओके ट्वेंटी लाख स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें से आपकी रैंक आई है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आपकी रैंक आई है, मतलब 10 लाख बच्चे आपसे पीछे हैं। यहाँ पे किनको लिखोगे, जितने बच्चे आपसे पीछे हैं उनको यहाँ पे लिखोगे। जैसे आपकी रैंक आई 12 लाख, तो कितने आपसे पीछे हैं, 8 लाख, तो यहाँ पे 8 लाख लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कैंसल आउट करोगे, जो भी आएगा वही आपका परसेंटाइल होगा। यहाँ पे देखो आ रहा है 50, तो आपका आएगा 50 परसेंटाइल। ये परसेंट नहीं है, हाँ ये परसेंटाइल है। तो बेसिकली एक नॉर्मल क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कितने परसेंटाइल पर हो जाता है। एडवांस का टिकट आपको तभी मिलेगा जब आप 2.5 लाख में आओगे। कई सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि 20 लाख बच्चे आते हैं जेई देने और IIT में सिर्फ सेलेक्ट होते हैं 10,000। ऐसा नहीं होता है, ध्यान से देखो। हाँ, 20 लाख बच्चे आते हैं, बट कितने लोग जेई मेंस में छट जाते हैं, 17.5 लाख। कितने एडवांस में जाते हैं, 2.5 लाख। तो इसमें कितने बैठते हैं, 2.5 लाख। कितने सेलेक्ट होते हैं, नियरली 10,000।
अब निकालो परसेंटेज, अब ज़्यादा आएगा। ठीक है, एडवांस का टिकट आपको तब अलग, हर साल अलग अलग क्राइटेरिया होता है। खैर जो नॉर्मल होता है, जो ओबीसी वगैरह में आते हैं उनको 75 प्लस होता है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 प्लस होता है। इतने परसेंटाइल से ज़्यादा आपने लाया तो आपको एडवांस का टिकट मिल जाएगा। अगर आपको NIT ट्रिपल IT चाहिए तो उसके लिए आपको 97 परसेंटाइल लाना होगा। 97 परसेंटाइल नॉर्मली आपको 140-160 मार्क्स में मिल जाता है। ठीक है, इतने मार्क्स में आपको 97 परसेंटाइल मिल जाएगा, आप ट्रिपल IT NIT ले सकते हो। ठीक है, अब टफनेस ऑफ द पेपर पे, पेपर एकदम टफ आ गया तो 130 पर ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, अलग अलग होता है हर साल। खैर इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही मानते हैं, बिकॉज अभी रिसेंट में परसेंटाइल का क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके बीच में आप आते तो अच्छा खासा आपको NIT मिल जाएगा, और अगर आपको एडवांस देना है तो आप इतना प्लस लाइए, आपको एडवांस का पेपर देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस समझ गया, पैटर्न समझ गया, मेन समझ गया अच्छे से। ठीक है, सब कुछ आ गया, जेई मेंस का समझ गया अच्छे से। अब देखो जेई एडवांस का क्या होता है, जेई एडवांस में ये डिसाइड ही नहीं है कि पेपर कितने मार्क्स का आता है हर साल, मतलब कितने भी मार्क्स का आ सकता है, जैसे 720 का आ गया, 360 का आ गया, हर शिफ्ट में, मतलब जेई एडवांस का पेपर दो शिफ्ट में लिया जाता है। ठीक है, सफिशियंट टाइम होता है, 3-3 घंटे का टाइम होता है दोनों शिफ्ट में, 6 घंटा आपका टोटल मिला के पेपर होता है। जेई मेंस का पेपर 4 दिन में होता है। ठीक है, और अभी ये 4 बार होता है, 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब आप 4 बार तुक्का मारने जाओ एक ना एक बार शायद लग जाए। मतलब पहली बार होता है फेब में, फिर मार्च, फिर जून, फिर अप्रैल, फिर मई। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 बार एग्ज़ाम होता है मेंस का, और फिर मेंस के लास्ट वाले शिफ्ट, मतलब जून के, है ना, मई के, उसके 20 दिन बाद एडवांस का एग्ज़ाम होता है। खैर अभी कोविड है तो डिले हो रहा है, वरना 20 दिन बाद एडवांस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पहला कब, फेब में, फिर एडवांस का एग्ज़ाम आपको हो जाता है। एडवांस्ड का एग्ज़ाम में आप लोग अगर 150 क्रॉस करते हो तो अच्छी खासी IIT मिल जाती है। 150 क्रॉस करना मतलब बहुत बढ़िया बात हो गई। ठीक है, मतलब अब वो डिपेंड करता है ना, 400 मार्क्स का आया तो बोल रहा हूँ मैं। देखो नॉर्मल परसेंटेज बता देता हूँ मैं, अगर आप 40% लाते हो ना तो आपको अंडर 2000 रैंक आराम से मिल जाएगी जेई एडवांस में। डिसाइड तो नहीं है कितने मार्क्स का आएगा, बट हाँ 40% पे आपको अच्छी खासी IIT मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी जेई मेंस और एडवांस की। आइए अब जेई एडवांस के बारे में मैं आपको पेपर पैटर्न कैसा रहता है वो बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये डिसाइड नहीं है कि कितने मार्क्स का पेपर आएगा, बट इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। देखो इसमें आपको एक तो सिंगल करेक्ट रहेगा, मतलब MCQ। ठीक है, जिसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, +3 या +4 रहता है। ठीक है, फिर आता है मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट मतलब उसमें 4 दिया रहेगा, चारों करेक्ट हो सकता है, या 4 दिया रहेगा एक भी करेक्ट हो सकता है। वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होता है जेई एडवांस का, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, जिसमें -2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वरना कोई गया ना, सोचा उसने, अरे यार मल्टीपल करेक्ट है, सब में पूरा 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 करेक्ट मार देता हूँ, कोई ना कोई करेक्ट हो जाएगा। नहीं, -2 की नेगेटिव मार्किंग है, सब करेक्ट किए तो +4 मिलेगा, एक दो करेक्ट किए तो +2 +1 ऐसे मिलेगा। ठीक है, और एक होता है सिंगल इंटीजर आंसर, मतलब इसमें आंसर जो होगा वो 1 से 10 के बीच में रहेगा, 1 से 10 के बीच में रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आई थिंक होती है और +4 रहेगा। ठीक है, 0 भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल सिंगल इंटीजर वाले क्वेश्चन आए थे, नहीं थे। ठीक है, और फिर आता है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, करेक्ट किया तो +4 रहता है। ठीक है, और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न हो गया जेईई एडवांस का। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लियर करूँगा।